पहाड़ों के बीच से सरस्वती माँ माँ नदी सरस्वती निकलते हुए। ऊपर पक्षी, बहुत कम पक्षी यहाँ दिखते हैं, शायद कैमरे से नज़र नहीं आ रहा होगा कि बहुत ऊंचा है सरस्वती जल। तो कहाँ पहुँचे गीता? अब पहुँचे हैं सरस्वती और ये क्या है ना? मंदिर है, माता का चलते हैं, वॉशरूम वहाँ पर होगा शायद। अंतिम चाय की देवा है सरस्वती नदी, यहाँ से बहते हुए बहुत सुंदर नज़ारे इधर देखेंगे तो आएंगे तो। इधर ये है भीम पत्थर, दैट इज द भीम पुल, ये है भीम शिला। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम सेन ने एक विशाल पत्थर को शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, इसलिए इसका नाम भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पत्थर से ऊपर से क्रॉस करके वो लोग स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्वर्गारोहण की तरफ। हम निकल चुके हैं वसुधारा फॉल्स के लिए, अराउंड 100 मीटर चल भी चुके हैं, बट हमें 100 मीटर नहीं, अभी 5 किलोमीटर और चलना है। और ये है शिखा जो बता रही है अपना हाल, मोटी खाती ज़्यादा है, खाती ज़्यादा है और खाने से इसका शरीर हो गया भारी, लेकिन बच्ची अभी छोटी सी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप, पिछ क्लास ऑलरेडी? ये थर्ड में पढ़ती है, लेकिन बी बताना जरूर होता है बच्चों को। चलो, और आप सामने देखिए रास्ता, क्या सुंदर नज़ारा है, ऊंचे पहाड़ी पहाड़, शुद्ध शुद्ध ठंडी हवा, इजी ब्रीद, और क्या एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं इधर। ऊपर देखिए स्नो कैप माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पहाड़, इंसान को पता लगता है कि वो बहुत छोटा है भाई, प्रकृति बहुत बड़ी है। हम अक्सर प्रकृति को मानते नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं क्या भगवान होते हैं, अगर कुछ नहीं है तो सब कैसे बना हुआ है यार, सब कुछ बना ना उसी की तो कृपा है, कोई तो है ना सुपर नेचुरल पावर जो सब कुछ कंट्रोल करती है और कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होता है। यार हमारा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप तो सब लोगों के साथ रहते ही हो, हमारे साथ भी रहना, हमारा भी कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाते रहेंगे यहाँ वहाँ जाकर के। वैसे मैं जाता फैमिली के साथ हूँ, अकेले ट्रैवल नहीं है, ब्लॉगर्स जैसे मैं ऐसा कर नहीं पाता हूँ। काफी हम नज़दीक पहुंच चुके हैं, मम्मी को देखो, इतना टफ चढ़ाई भी अब तक कर चुकी हैं, क्या नज़ारा इधर, बहुत ही दुर्गम रास्ता है ऐसे, बट काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ से वापस मोड़ जा रहे हैं, जो भी रास्ते मिल रहे हैं, जिससे ही पूछा हमने कोई भी उसी द्वारा फॉल जा करके नहीं आया, वो यही बता रहा है कि आगे जाकर रास्ता बहुत टफ हो जाता है, इसलिए वो लोग आधे रास्ते से ही वापस मुड़ जा रहे हैं, कहते हैं रिस्क लेना नहीं चाहते, बाकी रिस्क तो है। मैं चूज करेंगे अर्ली मॉर्निंग उठें टाइम से, 8 o'clock 9 o'clock ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो, जैसे हम लोग भी गलती कर रहे हैं, अभी 12 बज चुके हैं अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, अभी 4 किलोमीटर और चलना है, और आपको पता होगा पहाड़ों में 2 बजे के बाद नो सनशाइन, आफ्टर 2 o'clock और 3 o'clock तो सन चला जाता है, मौसम अच्छा रहे तब भी, उसके बाद ये जो ठंडी हवा को मजा दे रही है फिर देती है सजा, दैट इज़ डिफ़िकल्टी, दैट इज़ प्रॉब्लम। सो मारना के लिए आपको आना है, टाइम से उठो, अपनी गाड़ी से आ रहे हो ज़्यादा टाइम से उठो, गाड़ी को स्टार्ट करो गर्म पानी का, जैसे मैंने मेरे साथ हुआ, गर्म पानी इंजन पर डालने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट हुई, करीबन 2 घंटा उसी प्रोसेस में चला गया, हम उठे तो टाइम से थे लेकिन निकल नहीं पाए धूप के पहले क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, फिर एक टायर में हवा कम थी, सबको बैठा करके हवा भरने के लिए जा नहीं सकता था, इसलिए अकेला जाके हवा भरवा के फिर वापस आया, फिर बच्चों को बैठाया, फिर वापस चले, ऑलमोस्ट इट टुक 3 hours टाइम एंड वी गॉट लेट। मम्मी बैठ गई, आपको मम्मी की साइड से नज़ारा दिखाते हैं,
ये एक थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं स्टेप, थोड़ा डिफरेंट एरिया है तो ये आपको दिखा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसी पॉइंट से मम्मी और वापस चली गई, मम्मी को आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ बहुत थकावट हो गई थी उनको, और एक गुड़िया हमारे साथ रिधिमा। बच्चों की घंटियाँ ऑलमोस्ट बज चुकी है, तो कैसा लग रहा है आपको आरिफ था तेज़ बोलना, कैसे जा पाएंगे आप उधर तक? डेढ़ किलोमीटर और बचा अभी, मतलब डेढ़ घंटा और बचा ट्रैवल, और सूरज जा रहा है धीरे धीरे। चलो बढ़ते रहो आगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अब जो ट्रैक शुरू होने वाला है दैट विल बी नेक्स्ट लेवल ट्रैक। उधर भी पगडंडी कुछ है कहीं से जाने का, उधर भी कोई ट्रैक है, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दैट वे, बट वी स्पेशली केम हियर फॉर द वसुधरा फॉल्स। वसुधरा फॉल्स ट्रैक इज ऑन गोइंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू। वहाँ जा रहे हैं, हमें इस पहाड़ के पार निकलना है, और मेरे पीछे आरिश, आरिश नाम का प्राणी जो बहुत ही थका हुआ लग रहा है, आप देखिए उसको। आरिश कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत लंबा रास्ता कह रहा है वो, तो आप भी देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे लंबे रास्ते को कवर करेंगे, और क्या नज़ारे हैं। डॉक्टर गीता हमारे साथ हैं, और हमारा है थकेला बॉय, मैं उठाता हूँ इसको बेचारे। मेरा माना गांव और हमारा गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, माई पकड़ना दिख रही है यहाँ से, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ट्रकिंग ये। बट हाँ, बट केदारनाथ से तो आसानी लग रहा है मेरे को। हम तो केदारनाथ हम जाके आ गए थे, हम तो ट्रकिंग तो कुछ है। चलो चलो, ये रास्ता भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमको, लेकिन नेक्स्ट लेवल है वाकई, क्योंकि एक सिमेट्री नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे नहीं है, पत्थर हैं ऊंचे नीचे आगे पीछे कहीं पर भी, बोग्याल जैसा कुछ एरिया है। जय हनुमान, जय बजरंगबली का नाम लेते चलो, आगे बढ़ते चलो। इसी ट्रैक पर चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्यों ये वसुधारा फॉल्स है, क्यों ये रास्ता है स्वर्गारोहिणी का, और किसने खोजा, कौन यहाँ पहली बार गया। काफ़ी लोग तो जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता वो इस बात को समझ सकते हैं। महाभारत युद्ध में हुए भीषण जनसंहार के बाद पांच पांडवों ने काफ़ी वर्षों तक 36-37 वर्षों तक राज किया, और उसके बाद वो लोग, लेकिन उनकी जो आत्मग्लानी थी अपने भाई बंधुओं को मारने की नहीं जारी थी, इसी के साथ उन्होंने फैसला लिया, डिसीजन लिया, निश्चय किया कि अब वो लोग परलोक सिधार जाएंगे। परलोक जाना चाहते हैं क्योंकि उनके कुछ टाइम पहले उनको खबर मिलती है कि श्री कृष्ण भगवान को भी किसी भील ने तीर के साथ मार दिया है, और बाकी भी उनके जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदमी थे उन सब की मृत्यु आदि हो गई है, और वो वीरगति को वो गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने भी अब परलोक जाने का फैसला ले लिया। वो अपना राजपाट अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र को सौंप करके और भगवा वस्त्र धारण करके वो लोग निकल पड़ते हैं। पहले वो केदारनाथ भगवान जाते हैं, जहाँ केदारनाथ में उनको अपने भाई बंधुओं की मारने का जो पाप लगा था उससे मुक्ति मिल जाती है, और वहाँ पर केदारनाथ भगवान उनको बताते हैं कि आपको माणा गांव से होते हुए वसुंधरा झरना के साथ जाते हुए फिर आपको स्वर्गारोहिणी जाना है, या स्वर्ग के रास्ते पर आपको जाना है, और आपको इस तरीके से यहाँ से पैदल ही यात्रा करनी होगी, क्योंकि आप प्राणी मात्र हैं, आप देवता नहीं हैं, तो आपको सीधा स्वर्ग जा नहीं सकते। लेकिन उनको मौका मिला था, इंद्रदेव भगवान स्वयं आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको जीवंत रूप में मैं आपको लेके चलता हूँ स्वर्ग, आप मेरे साथ चलें। लेकिन युधिष्ठिर ने, क्योंकि वो इंसान थे धरती पर पैदा हुए, इसी प्रकार से वो चाहते थे जीना कि उसी प्रकार से वो स्वर्ग जाएं जीवंत रूप से, तो उन्होंने ये रास्ता फिर चुना। वो इसी रास्ते से होते हुए स्वर्गारोहणी के लिए निकले, वसुंधरा फॉल वाले इस ट्रैक से जहाँ से अब हम अभी जा रहे हैं, हम सब अभी क्रॉस कर रहे हैं।
इसी रास्ते से जाते जाते सबसे पहले द्रौपदी माता जी का निधन हो गया, वो गति को प्राप्त हुई, फिर ऐसे ही नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन और फिर भीम, सब जिन्होंने कुछ न कुछ पाप अपनी ज़िंदगी में किए या मन में भेदभाव रखा या मन में कोई ऐसा कार्य किया जो सत्य नहीं था, जो गलत था। और इसी प्रकार आगे पथ पर सब बढ़ते रहे। जब अंत में युधिष्ठिर स्वर्गारोहिणी पहुँचे, वसुंधरा फॉल्स से आगे, माणक गांव से वसुंधरा फॉल्स पड़ रहा है करीब 5 किलोमीटर, और वसुंधरा फॉल्स से आगे अगर आप बात करें तो 20 किलोमीटर रहता है स्वर्गारोहिणी, जहाँ से जाता है स्वर्ग का रास्ता। तो युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको उनके साथ एक कुत्ता होता है जिसको घुसने से मना कर देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर भगवान कहते हैं कि मैं कुत्ते के बिना अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुत्ता ही मेरे साथ में रहा है, मेरे भाई और मेरी पत्नी भी मेरे साथ छोड़ गई है। तब उनको बताया जाता है कि ये कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज है और इन्होंने ही आपके प्राण हार लेंगे। लेकिन इनको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि आप सत्यवादी हैं और संयमकारी हैं और सच्चे इंसान हैं, इसीलिए आपको जीवंत रूप में ही स्वर्ग आने का मौका मिल रहा है। इस प्रकार युधिष्ठिर जी स्वर्ग को प्राप्त हुए और हमारा ये ट्रैक लगभग पूरा होने को हो गया है। हम वसुंधरा फॉल्स, वसुधारा झरना के बिल्कुल नज़दीक हैं। आप भी देखें कैसे हम पहुंच गए वसुधारा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं वो झरना, वो सामने दिख रहा है, वो है वसुधारा। ये पापियों पर नहीं गिरती, तो मैंने पाप किए होंगे, क्या पता। जय हो बच्चा भगवान, जय हो भगवान। हिम्मत दो इस लड़के को, खाना भी इसके पास है। ये है वसुधारा का झरना, उसकी घाटी बर्फ गिरी हुई है। क्या बड़ी वादी है यार। इसके पापा चाहते हैं ये रनर अप बने, गोल्ड मेडल जीते, IPS IAS बने। हम चाहते हैं कुछ भी करें लेकिन अच्छा इंसान जरूर बने। चल के दिखाएंगे आपको अभी नज़दीक से, थोड़ा सा वो ट्रैक कर लें और फ़ोन की बैटरी बचा लें। सैमसंग गैलेक्सी M31। अब वो फ़ोन, वो देखिए वहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों तरफ से कुछ बड़ा जैसे पानी कभी आएगा तो डाइवर्जन है। जय श्री विष्णु। आगे बढ़ते हुए और यहाँ आपको दिखाई देगा वो सुंदरा फॉल्स। अभी हम जाएंगे। कैसे पहुंचे इस मानसी यहाँ तक, कैसे पहुंचे बेटा? दीदी के साथ पहुंचे। बाप रे बेटा, वहां नहीं गिर जाओ यार। वसुधारा, वसुधारा विष्णु की धारा, विष्णु की धारा। पाप उनके पाप भर लेती है, बोल जा रहा है उनको छूती नहीं है। वहाँ पहुँच गई, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि बड़ा प्लेस है। आप इससे पार करके हम वहाँ जाएंगे, तब हमारे ऊपर वो पानी गिरेगी। बस वहाँ सबसे हम ये है बड़ा ग्लेशियर। कौन कौन आना चाहते हैं वहाँ जाने के? क्योंकि मैं वहाँ चढ़ूंगी। थोड़ा आगे का रास्ता आपको दिखाता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ये पीक पॉइंट है, यहाँ से देखने पर कैसा दिखता है वो दिखाने की कोशिश हम करते हैं आपको। अर्जुन क्या कह रहा था, यहाँ तक वाह।
ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। यहाँ आने में 3 से 4 घंटे का ट्रैक है और फिर आप यहाँ पहुँचते हैं इस सुंदर नज़ारे देखने के लिए वसुधारा फॉल्स। वैसे मैंने कोई भी एक्चुअली स्पेशली फॉल नहीं देखा, इसका नाम है बहुत ज़्यादा, हम पहली बार किसी अच्छे से और नामी गिरामी द ब्रांड वन फॉल्स पे पहुँचे हैं। लोग इस पानी को अपने बदन पे टच कराने के लिए, इसको छूने तक के लिए, ये यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ट्रैक करके, इधर से ट्रैक करके वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि पानी का धारा उस तरफ है, हवा का बहाव उस तरफ है। हालाँकि ये पानी ही है क्योंकि बहुत ऊपर से गिरने पर टेढ़ा गिरता है, इसकी वजह से ये हवा में विपरीत हो जाता है, जो नीचे तक नहीं आता है। हालांकि अलग तरह का पानी जो टच करके आ रहा है वो पानी बनके तो नीचे आ रहा है, आइस भी है वहाँ पर, वहाँ पर आइस भी है, आप देख पा रहे होंगे। कैसा लग रहा है आरुष? बहुत बढ़िया, यहाँ की हवा लगते ही सारी थकान दूर हो चुकी है और अभी हम वहाँ जाएंगे नीचे ताकि हमारे ऊपर पानी पड़े, तो चलते हैं हम देखते हैं। और भी सब साथी हैं हमारे साथ, देखते हैं कोशिश करते हैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा पाएंगे या फिर नहीं, वहाँ जाएंगे आप। वो देखो वो जो पीली बंदा जो बैठा है उसको चोट शायद लग गई, गिर गया वो अंकल, वो जो पीली निकर वाले अंकल है ना, वो अपने शरीर को अपने शर्ट पर भिगोने के लिए वो पूरा कपड़ा निकाल के चाहते हैं कि उनका बॉडी भीगे और उनको उनको ऐसा लगे कि हाँ वो पापी नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि जिस पे पानी गिरा वो पापी नहीं है। खुद को चेक कीजिए कि आप पापी हैं या नहीं हैं, ज़रूर आए एक बार वसुंधरा फॉल्स। बस प्लान करना थोड़ा सा, कुछ खाने का सामान साथ में, थोड़ा पानी साथ में, बाकी यहाँ पानी सरस्वती नदी से आप बीच में ले सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में पड़ती है वो, 2-1 लीटर की बोतल रखे साथ में, उसको बीच तक लेके चले फिर बाद में भर सकते हैं। ये डॉक्टर गीता नीचे उतरने की कोशिश करते हुए, ये उतर के उधर जाएगी लग रहा है मुझे, तो वेरी मच डिफ़िकल्टी। चलो इनको जाने दो, मैं नहीं जा रहा उधर। गीता वगैरह बर्फ़ में, बच्चों को बर्फ़ में ले गई है, बर्फ़ में खेल रहे हैं। ये मानसी है, डॉक्टर गीता है और बच्चे उतर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से। आप देख, मैडम बहुत डर रही हैं उतरते हुए, कोशिश कर रही हैं उतरने की। वहाँ गीता पहुँच चुकी है सामने, आराम से भाई। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ। आराम से भाई। अभी भयंकर बर्फ़ वहाँ से गिरी और सब लोगों की बैंड बज गई। चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ये है डॉक्टर गीता, यहाँ पर ही खड़े हैं लोग, ही खड़े। वहाँ पर आरुष है, आरिश है, यहाँ सीखा रिधिमा है पूरा मेरे से। देखो वो दिख पा रहे हैं आपको, वो वहाँ पर कहीं हैं वो लोग नीचे, वहाँ पर कहीं वो लोग हैं, मैं हूँ ऊपर ऊपर, मैं नीचे नहीं गया, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। नीचे आ गए हैं, बहुत खतरनाक वेदर, खतरनाक मौसम, उसी को हमने पास क्रॉस किया। अब थोड़ा आगे से धूप बची है, बस हमारे पीछे सब ब्लैक आउट हो गया क्योंकि सन इज़ गोइंग टू हाइड वेरी सून। अब दिख रहा है हमको माना विलेज, अराउंड 2 किलोमीटर अब रह गया होगा, तो 2 से कम ही रह गया होगा, लेकिन हमारे बच्चे चलने में तकलीफ़ हो रही है, उनको चलना नहीं चाहते, बाहर बैठने जाते हैं, हालांकि चढ़ाई नहीं है, उतरना है खाली। तो मिलते हैं